आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन को लेकर काफी तैयारियां की गई थी, जिसके बाद पटना, बेंगलोर और मुंबई में कई दौर की बैठकें चली। बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से आउट करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी और 2024 में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ही अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को ही रन आउट कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि भैया अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं तो लोकसभा में भी हम किसी को टके भाव नहीं पूछेंगे और हमें विचार करना पड़ेगा। दरअसल अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी ट्यूनिंग जमी नहीं और इसका साफ असर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद के तौर पर दिखाई दे रहा है। एक सवाल के जवाब में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया कि सियासी भूचाल मच गया। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन केवल केंद्र के स्तर पर होगा तो उस पर उनकी पार्टी विचार करेगी। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ यूपी की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले मधुर यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव ने इतना बड़ा बयान ऐसे ही नहीं दिया होगा। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया उससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिला। 2017 विधानसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया जिसकी उनको उम्मीद थी। 403 सीटों वाले यूपी असेंबली में अकेले बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, तो वहीं सपा और कांग्रेस के गठबंधन को महज 54 सीटें ही मिल सकी थी। हालांकि रिजल्ट के बाद गठबंधन की गाड़ी कुछ खास नहीं चली और सपा कांग्रेस ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। वही हालत अखिलेश यादव की 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हुई, जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 2014 में 0 सीट जीतने वाली बसपा को 10 सीटें मिल गईं और सपा 5 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में जो मोमेंटम हासिल किया उसे 2024 तक बरकरार रखना चाहते हैं और शायद इसीलिए किसी भी फैसले से पहले अखिलेश फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।